मतलब जर्नी है यार बहुत मजे की जर्नी है मेरी और की तभी तो इतना लंबा साथ है हमने हाँ, स्ट्रगल एक साथ पीटीवी की सड़क पे उसने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करनी है और मैंने आपको पता है क्या जवाब दिया नहीं आप सिंधी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती रहे क्या मैं सिंधी हूँ हिंदू थोड़ी हूँ तुम ये क्या कह रही हो हमारा मजहब एक है तुम ये क्या कह रही हो मेरी अम्मी पंजाब गई थी उनको टीवी पे लोगों ने देखा हुआ था कि ये नदा की अम्मी है मेरी अम्मी के हाथ चूमे थे लोगों ने प्यार किया था मेरी अम्मी रो रही थी एक जमानत था कि तुम हमारी वजह से पहचानी जाती आज हम तुम्हारी वजह से पहचाना ये तो यू वाचिंग मी ऑन पूशा मैगजीन आज जो मेरी मेहमान हैं आप लोग उनको हर रोज सुबह देखते हैं सुनते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते हैं आई थिंक शी इज़ द मोस्ट वॉच्ड फेस इन पाकिस्तान आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से दैट मुझे अच्छा लगता है कि चाहे कोई मीम बन रही हो चाहे कोई क्रिटिसिज्म आ रहा हो चाहे ऊंच नीच किसी भी किस्म की हो रही हो वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और बहुत हम्बल तरीके से उस चीज़ को हैंडल करती हैं मेरे साथ आज हैं निता यासर असल कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक मुझे इतना अजीब लग रहा है इंटरव्यू देते हुए <laughs> मुझे इतनी आदत है हाँ। उधर बैठने की सो मुझे इतनी घबराहट होती है जो मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो आपने लेना इंटरव्यू <laughs> लेकिन मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही है मैंने इनको कल रात को मैसेज किया मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कह रही क्यों मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ ना इसलिए आई <laughs> वॉन्ट कि अच्छा इंटरव्यू हो ना इंशाल्लाह अच्छा होगा भाई निदा यासर का इंटरव्यू हो रहा है मैं सपोर्ट ही है मैं भी सपोर्ट हूँ सुबह से मैं ऑफिस में सपोर्ट हूँ कि मैंने कहा नहीं यार निदा इज कमिंग सो यू you नो know, अच्छे सवाल होने चाहिए मजे क्यों होने चाहिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए ताकि लोग भी सुने तो उन्हें इंटरेस्ट लगे क्योंकि रोज वो सुनते हैं आपको तो मेरे लिए और भी चैलेंज है को, कोई नई बात उन तो लोगों के लिए लेकर जाए बिल्कुल, बिल्कुल है तो, तो है। क्या चल रहा है रोजे कैसे चल रहे हैं रोजे बहुत अच्छे चल रहे हैं रात की ट्रांसमिशन हो रही है सो मैं सुकून से अपने घर वालों के साथ सैरी कर सकती हूँ अफ्तारी कर सकती हूँ और नींद भी पूरी कर सकती हूँ सुबह नहीं जाता अच्छा लग रहा है शाम की ट्रांसमिशन मजा आता है एक फ्रेशनेस फील होती है क्योंकि आप अपनी इबादात आराम से कर पाते हैं

अच्छा और किसी को इस, इतना पता नहीं है क्योंकि मैं उस फील्ड में गई नहीं आ, और मैंने फ़िज़िक्स इसलिए चूज़ की कि मुझे पहले फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना था तो कराची यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम होती हैं उसकी सेकंड ऑप्शन फिजिक्स रखा था तो मैं वहाँ चली गई अब फिज़िक्स पढ़ लिया अच्छी थी मैं मैथ्स फ़िजिक्स इन चीज़ों में बहुत ये मेरी जीन्स में अम्मी मैथ्स में अच्छी मैं मेरे बच्चे सब वो नाना से चला आ रहा था सो मैंने फिजिक्स चूज़ किया उसके बाद फिर मैंने कहा मैं फिजिक्स पढ़ के क्या लेक्चरार बनू क्या करूँ किस फील्ड में जाऊँ समझ नहीं आ रहा था सो so, क्योंकि मुझे होटल मैनेजमेंट करनी थी सो so मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाह रही थी मगर फिर फ़िज़िक्स करने के बाद मैंने दो साल मारियत से होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली और मैं इस फील्ड में आई एक्टिंग में कि मैं पैसे बाहर पढ़ने के लिए oh. जमा करूंगी क्योंकि मुझे लूसन जाना था स्विट्जरलैंड जहाँ होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्कूल है yeah. सारी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ 16 लाख रुपए जमा करने थे Wow. <laughs> मतलब इतनी प्लानिंग की हुई थी आपने माशाल्लाह आई एम इंप्रेस्ड एट दैट टाइम कभी के इंसान कुछ भी प्लान ah. कर ले उसके बाद मैंने ड्रामा शुरू किया कि मैं पैसे पूरे अपने इकट्ठे करूंगी रुक जो हा? हाँ हाँ रुक से पढ़ा कहाँ से बहुत सारे स्कूलों से पढ़ा है कोयटा ट्रांसफर हो गया था मेरे पेरेंट्स कायटा ट्रांसफर हुआ तो मैं फाउंडेशन सेफ चली गई कोयटा में कोईटा Nice. उसको पकड़ लिया <laughs> इस तरह की जब आप जर्मन की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर अलग है उस वक्त जब आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए मैं जर्मन सीखी थी मैं दोनों को एक साथ नहीं रख पाई फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए फिर हम एक मैं वास्ती अकैडमिक स्कूल था वहाँ चली गई क्योंकि बीच में टर्म के बीच में कोई ले नहीं, नहीं था ले ले रहा था बड़ा स्कूल तो खैर ये भी बहुत अच्छा स्कूल था अब ना से पढ़ने के बाद पी सी कॉलेज गए पी सी कॉलेज से कराची यूनिवर्सिटी गए फिर कराची यूनिवर्सिटी से हो मैरिट होटल ट्रेनिंग ली लेकिन जो वो पैसे जमा करने थे जब वो पैसे जमा हो गए तो मेरी नीयत खराब हो गई क्यों क्योंकि जब मैंने दो साल मैरिट में ट्रेनिंग की तो किसी की तनख्वाह पाँच हज़ार किसी की पंद्रह हज़ार मैक्सिमम पचास हज़ार तनख्वाह थी उस जमाने में सो okay. so, मैंने कहा अल्लाह मैं इतने पैसे खर्च करके बाहर से पढ़ कर आऊँ सो so, पाकिस्तान में तो कोई स्कोप ही नहीं है एज ए होटेलियर या तो अपना होटल खोलो तो फायदा yeah, हो नौकरी करके तो आप तो uh -huh. कुछ इतनी अर्निंग कर नहीं सकते और इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा सो uh -huh. so, फिर

सो so ट्राई करो कभी दिमाग में नहीं था कि टी वी पे आना है लेकिन घर पर इतना इन्फ्लुंस था टी वी का और आप बता भी रही थी कि मतलब अम्मा एक्टिंग में नहीं थे डायरेक्शन में थे या, मगर बट मगर इतना कोई मुझे शौक नहीं था टी वी पर आने का और जब भी मेरी तस्वीरें भी खिंचती थी तो मैं इतनी अजीब सी एक हरकत करती थी जो मैंने कभी डिस्कस नहीं की मैं अपनी आंखों को महंगा बना लेती थी मेरी सारी तस्वीरें महंगी आई देता जितनी बचपन की तस्वीर महंगी है, है और वो शरारत में शायद उस वक्त इतनी नहीं थी तो कभी इतना बचपन से नहीं शौक था छुपा तो। दी फाड़ दी जला दी यासिर को नहीं मिली कभी वो दिखाए को एक मोछो वाली तस्वीरें मिली थी और उसने मेरा रिकॉर्ड लगाया था नहीं जब लड़की नई नई बड़ी हो रही थी और अम्मी अबो की तरफ से ना आईब्रोज बनाने की इजाज़त ना थ्रेडिंग जिंदगी में पहली दफ़ा टेंथ में मैंने अपर लिप थ्रेड कराए थे और इतनी शर्मिंदगी हुई थी कि चस्ट पता नहीं क्या कर लिया और यूं मुझे पा के क्लास फेलोज़ के आगे गई थी सो <laughs> so, वो यासर को मिल गई थी पिक्चर <laughs> <laughs> बाकी और कोई नहीं मिलने दी मैंने ओके okay. तो कोई और फील्ड नहीं सोची एक्टिंग ही क्यों सोची कि मैं पैसे इधर से कमाऊँ यार डायरेक्शन बहुत मुश्किल थी जो अम्मी अबू करते थे काम मैं तो उनको देख के ही परेशान हो जाती थी और मैं बहुत तेज़ बोलती थी फिर अबू उससे भी डांटते थे कि तुम तो इतनी तेज़ बोलती हो मुझे लगा कि लाइक कर लूँगी एक्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस था थिएटर वगैरह करती थी स्कूल uh, में मैं सबको जमा करके रिहर्सल्स वगैरह होती थी तो वो सब में मैं आगे आगे okay. होती थी okay. स्टेज पे डिबेट्स पे वो वो कॉन्फिडेंस था मुझ में सो मुझे, so मुझे लगता था कि मैं फेस कर लूँगी कैमरा ओके तो फिर अब्बा के पास जब गई बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ तो अबू ने कहा पहले पढ़ाई कम्प्लीट करो ग्रेजुएट हो फिर आने दूंगा फील्ड में मुझे नहीं मसला तुम मेरी अम्मी अबू दोनों ने यह कहा तो मैं जो फील्ड चूज करनी है करो मगर ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग जो हैं टेंथ या ट्वेल्थ पढ़ते हैं और उसके बाद छोड़ देते okay. ग्रेजुएट हो जाओ पता नहीं क्यों इतना उनको वो था लेकिन अच्छा किया उन्होंने yeah. ना शायद अगर मैं लग जाती काम में तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट नहीं हो पाती तो मेरे अम्मा बाप तो मास्टर्स थे फिर उन्होंने बाद में कहा मास्टर्स करो मैंने कहा मैं इतना नहीं पढ़ सकती भाई अब पढ़ाई हाँ, तो कर ली ना दो साल मैंने होटल मैनेजमेंट कर ली सो वो हो तो, तो गए ना ग्रेजुएट पहले किया था फिर दो दो साल मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा और उसके so... बाद आपने आपने एक्टिंग तो कहा कि मैं जब मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग स्टार्ट करती तो अब्बा के पास गई तो उन्होंने कुछ चीजें बताई बस उसके बाद वो मेरी उन्होंने कहा क्यूरोसिटी हो रही थी कि क्या बताया उन्होंने कहा बहुत तेज बोलते हो तेज नहीं बोलो और अगर तेज बोल रही हो तो क्लैरिटी लाओ एक फिर उन्होंने बोला फेंक के चलते हो पैर <laughs> चलने फिरने का भी बहुत रोल होता है फिर उन्होंने बोला गाढ़ा मत बोलो लाइक like हम जब होस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू के जो हैं वो बहुत चबा के बोलते हैं सर so उन्होंने बोला गाढ़ा नहीं बोलो जैसे हैं है जब आप एक्टिंग करते हैं ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जो मेरे बड़े काम आई जिसकी वजह से मैं शायद जब होस्टिंग भी करती हूँ तो स्पॉन्टेनियस होती हूँ उस वक्त तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई yeah. लिखा हुआ कोई चीज़ तकरीर करी हूं या वो uh -huh. क्योंकि मेरे अबू ने मुझे कहा कि आप नेचुरली जब बोलते हैं तो आ, बोलते हैं बोलते हैं अब देखेंगे अगर yeah. मैं लिखूंगी तो उसको बोलूंगी हैं hmm. लेकिन हम बोलते हैं बोलते हैं yeah. exactly. मतलब जब आम Haan, होता है सो हाँ. so, वो मेरे अबू ने मुझे टिप्स दी उन्होंने एक मिनी आपको एक्टिंग क्लास दी छोटी छोटी सी टिप्स दी उन्होंने वो हर वक्त देते रहे मगर okay. उनके साथ मैंने आज तक इतना काम नहीं किया सिर्फ एक सिंगल प्ले किया ईद का और उन्होंने मुझे मैदान में छोड़ दिया ओके okay. जा सिमरन जी ले तो कैसे इंट्रीवी? पहला कौन सा ड्रामा था या okay. मैं ऑडियंस में तालियां बजाने गई थी मेरी बहन कोई सिंगिंग का प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेंट थी और मैं ऑडियंस में तालियां बजा रही थी जरा अच्छी बड़ी बड़ी आंखें थी छोटा सा मुंह बहुत पतली दुबली थी तो, तो पतली दुबली नहीं रही आ, नहीं, मुझे तो लग रही है <laughs> बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन पहले मैं इतनी दुबली थी छोटा सा मुंह था तो और बड़ी बड़ी आंखें उसमें नजर आ रही होती थी बाल बहुत लंबे लंबे थे सो यास अख्तर ने मुझे ऑडियंस से पिक किया और फिर उन्होंने जब मुझसे बात की कि तुम्हें एक्टिंग करनी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस वक्त टपाल सिनेमा और इस तरह की चीजें तो वो मेरा घर एक वर्लपूल के नाम से एक सीरियल बना रहे थे हुँ वो। हुँ। फिर मैं उनको पीटी वी ले गई क्योंकि उस वक्त मेरा ड्रामा रिलीज नहीं हुआ था तो मैंने एडिटिंग में ले जाके उनको अपनी एक्टिंग दिखाई अच्छा उनको नहीं पता था पहले मैं कौन हूँ ना जब ऑडियंस okay. से उन्होंने पिक किया हाँ, था तो हाँ, हाँ। so, जब फिर वहां पे मैंने अपनी एक्टिंग दिखाई फिर उन्होंने मुझे ओके okay. okay कर लिया उस कैरेक्टर के लिए ठीक है मेरा सपोर्ट लाइक मेजर सपोर्ट था मेन लीड नहीं था आ, आ, बहुत अच्छा उन्होंने शूट किया मुझे बहुत मजा आया उनके मेरी पहली सीरियल थी लेकिन उससे पहले पीटीवी पे रिकॉर्ड कर चुकी थी एक ईद का रिकॉर्ड अच्छा, किया वो रिलीज, रिलीज नहीं हुआ रिलीज नहीं हुआ तो पहला ये गया आपका मेरा घर रिलीज पहला वो हुआ मेरा घर एक वर्लपूल की रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी थी पास हो गई थी मैं एक्टिंग में ना यासर अख्तर के जरिए सो बस उसके बाद फिर फारूक मैंगल ने मुझे कास्ट किया एक टेलीफिल्म में फिर सीरियल्स मिलती गई फिर मैं इतना काम करती रही मजा आ रहा था मज़ा आ रहा था दिन में कोई और काम करती थी रात में को, कोई और सीरियल एक्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी हाँ। तो अपनी कैसे क्राफ्ट को इम्प्रूव कर रही थी ना था उसको क्या दिन में चल रहा था बिकॉज कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं थी तो कैसे बस वही गिरते संभलते पढ़ते हाँ। आ, कैसे बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही होती गई डू यू मिस हाँ कितना मतलब मैं मजबूरी के तौर पर होस्टिंग में आई क्योंकि मेरा पहला जो लव था वो जो मेरा पैशन था वो एक्टिंग थी जब बच्चे हो गए ना फिर मुझे लगा कि जब मैं एक्टिंग करने जाती थी तो मुझे बच्चे याद आते थे फिर मुझे लगता था कि यार उनके साथ ना इंसाफी इतने छोटे में उनको कैसे चौबीस घंटे छोड़ू जहां आपके आने जाने का टाइम इतना नहीं पता मुझे इतना तरस आता था मुझे अंदर ही अंदर रोना आता था कि मेरे बच्चे उधर हैं तो बस यासिर का एक दफ़ा का कहना था कि नहीं यार तुम एक्टिंग जो है ना देखो बच्चे दर बदर हो जाएंगे मैं भी बाहर तुम भी बाहर

होस्टिंग करती थी छोटे छोटे कुकिंग शोज होते थे पूरे महीने की रिकॉर्डिंग चार दिन में करा दी ओके okay, अच्छा अच्छा वो रोज का नहीं होता था वो रोज़ का नहीं होता okay, तो प्रॉपर बच्चों को पालना खाने खुद बनाना उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं होते थे हमारे पास इतनी सारी मेज और हेल्पिंग है हैंड्स रख सके एक ही होती थी जो वो घर की सफाई भी करती थी मेरे साथ बच्चों को हेल्प भी करती थी सो खाना मैं पकाती थी वो वाली लाइफ थी मेरी So, उसी घर में जब ने अपार्टमेंट लिया उसी घर में फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नादानिया प्रोड्यूस किया एक कमरे में बच्चों को रख देते दे थे बाकी really? सारे कमरे इस्तेमाल करते थे शूटिंग के बेचारे बच्चे एक दो शॉट्स में मेरे बच्चे झांकते हुए नजर आए है <laughs> नादानिया के एपिसोड में मुझे इतनी हंसी आई है किसी को पता नहीं चला लेकिन मेरे बच्चे यूँ हुए नजर आपने बट इंटरेस्टिंग अच्छा बड़ा मतलब जर्नी है यार बहुत मज़े मतलब की जर्नी है मेरी अयासे की हाँ। तभी तो इतना लंबा साथ है हाँ, हमने स्ट्रगल एक साथ की है हुँ, हुँ। तो अम्मा अब्बा को तकलीफ नहीं दी होते ना शादी के बाद लड़की अम्मा अबा से फर्नीचर और वो जहेज इकलाना थे लेकिन लेके जाते हैं इस्तेमाल की चीजें सो हमने ऐसे नहीं किया मेरे अम्मा अब्बा के आया रूल नहीं है कि हम जहेज़ देंगे ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते लेकिन वो रूल नहीं है ना उन्होंने उन्होंने अपनी बहनों को दिया मेरी अम्मी ने ना अपनी बेटियों को दिया उन्होंने so अपने पैसे जमा किए थे तो कारपेट यासर ने डाला बेडरूम सेट मैंने लिया रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, शादी पे आते हैं <laughs> ये अगला फेज इंटरव्यू का नेक्स्ट सेगमेंट है पहुंचे नहीं <laughs> तो तो अभी तो से कैसे मिले जाएंगे मजे की होंगी अभी, अच्छा ए आर वाई थी, मेरी मंगनी हो थी तो ए आर वाई ने पहला रिकॉर्डेड मॉर्निंग शो स्टार्ट किया okay. वो मैंने किया पहला wow. रिकॉर्ड नादिया खान से भी पहले wow. मुझे नहीं पता था आप लोगों को पता था हाँ, उस वक्त नया नया चैनल खुला था ए आर वाई का पहला सीरियल था उसमें यासिर और मैंने एक्टिंग की थी पहला सीरियल था फारूक परीओ ने डायरेक्ट किया था ओके और यासिर और मैं उसमें थे बहुत सारे और एक्टर्स थे मैं भी थे हम दोनों ये हमारी मंगनी के बाद की बात ओके फिर वो रिकॉर्डिंग जब मैं करा रही थी मॉर्निंग शो की मैं प्रेग्नेंट हो गई मेरी शादी हो गई थी उसी दौरान रिकॉर्डिंग के दौरान और जब मैं प्रेगनेंट हुई तो मुझे छोड़ना पड़ा मॉर्निंग शो फिर उसके बाद जवेरिया आई वो उसके बाद नादिया खान लाइव करना शुरू हुआ फिर मैं आई गई हो गई कहीं पिछली बीती कहानी हो गई <laughs> तो वो तो ए आर वाई का मॉर्निंग शो मैंने बहुत बाद में शुरू किया शादी के लाइक दो बच्चों के बाद तो तो जब शो आया तो क्या चीज़ हाँ डर नहीं लग रहा था लाइव शो है एक बिल्कुल नई चीज जा अच्छा मेरी थोड़ी तो प्रैक्टिस हो गई थी इस तरह लाइव शो करने की कि मैं एआरवाई पे कुकिंग चैनल था जॉक मैं उस पर कुकिंग शो करती थी लाइव वो भी दो घंटे का लाइव शो होता था एक्चुअली ए आर वाई के लोगों के ऊपर जब मुसीबत आई शाइस्ता एकदम भागी तो उनको मैं ही नजर आई <laughs> लाइफ शो संभाल सकती है ये committed है ये ये कमिटेड छुट्टी नहीं करती है लाइव बातें कर लेती है अच्छा और एक और मैंने टेस्ट दिया था समझे इस तरह टेस्ट टेस्ट दिया था okay, wow. इस तरह हुआ था ऑटोमेटिकली <laughs> कि एक दफ़ा शाइस्ता बीमार हो गई थी उनका कोई प्रॉब्लम हो गया था तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की फोन करके बहन चार दिन मेरा शो कर दे देता मेरे बच्चे को संभाल लिया तो उसने मुझे ये कहा कि चार दिन मेरा शो संभाल लो तो मैं ऑलरेडी आती थी ए अपना शो मेरा साढ़े ग्यारह शुरू होता था उसका ख़त्म होता था तो मैंने चार दिन शायस्ता okay. तो तो जियो तो <laughs> <शायस्ता जीव> भागी <laughs> जेजे ने कहा <laughs> नहीं करने दूंगा नहीं भाई वो हिस्ट्री अच्छी नहीं है शादियाँ खत्म हो जाती <laughs> oh. so nice you know, really nice. हैं वो बहुत ज्यादा उसको वो family oriented है, उसको होता है वो उसको वो वाली बीवी चाहिए <laughs> सरताज आपके लिए खाना लगा <laughs> <मैं साँगने सर्ताज, laughs> <कभी है>? <laughs> शुरू में किया जब मैं फारे थी कपड़े निकाल के बिस्तर ऐसे बोला सरताज में आपके कपड़े लगा दूँ खाना भी पकाती थी सबको जब नहीं करती <laughs>

जब होता था छः छः साल हुए थे तो आ, जैसे बच्चों के रिजल्ट खराब हुए अब इनके रिजल्ट खराब हुए ना छुड़वा हाँ। तो दूंगा अब अगर फलाना ये हुआ ना मुझे हाँ। मैं छुड़वा दूंगा हाँ। पहले मुझे बहुत वो दबाता रहा ब्लैकमेल करता रहा ये नहीं हुआ ना तो वो हो जाएगा फिर मैं You are so cute, Nita. I हाँ. I like this. You are so honest. No? <laughs> राम से बोल देती है अच्छा मुझे बताए अब पीछे देखती हैं इतने साल इतना एक्सपीरियंस इतना कुछ माशाल्लाह से क्या फील होता है आई डोंट नो मुझे नहीं लगता कि वो एक आ, मुझे यकीन ही नहीं आता कि लगता इतनी मुश्किल मैंने अपने लिए पहली दफ़ा स्टैंड लिया था वैसे वरना उसने कहा एक्टिंग छोड़ दो मैंने छोड़ दी और, व, व, मतलब मैं अपने काफ़ी मियाँ की बातें सुनती थी सिर्फ मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में स्टैंड लिया कि मुझे मॉर्निंग शो करने दो क्योंकि ना मैं उस मॉर्निंग शो करने की वजह से अपने बच्चों को टाइम दे सकूँगी वो स्कूल से घर आएंगे तो मैं आ जाऊँगी लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था शुरू में मैं पाँच पाँच छः छः बजे भी घर आती थी क्योंकि मुझे आ, एक चीज़ जमानी थी फिर उसके बाद आ, जब बहुत देर से घर आने लगी तो मेरे मियाँ ने कहा बस अब ये वो कहते ना अब ये शादी नहीं हो सकती सो उसने ऐलान किया अब ये मॉर्निंग शो नहीं हो सकता तो वहाँ फिर मेरे जो बॉसेज़ हैं जी सेजा हैं सलमान से इकबाल उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि नहीं तुम घर से बैठ के भी काम कर सकते हो हम तुम्हें ऑफिस आवर्स इतने नहीं चाहिए okay, तुम हमें अपना मतलब लाइक तुम रिजल्ट दो तुम अपने अपना जो भी काम है तुम टीम को घर बुला लो नाइस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट की मुझे वो फैमिली वाला माहौल दिया बलाज पैदा हुआ वो झूले में साथ होता था और आप काम कर रही करिए यहाँ पे मॉर्निंग शो मदर फीट पे था मैं मॉर्निंग hmm. शो करती थी ब्रेक में आ जाती थी झूले में मेरा बच्चा आता था hmm. तो उसको फीट कराती थी फिर वापस जाती hmm. थी बट दट सो गुड दट सो इंस्पायरिंग एंड का टाइम गुजर गया yeah, yeah. नहीं, and, and, uh, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने की कि अगर एम्प्लॉयर्स या जो सीनियर मैनेजमेंट है वो फैसिलिटेट कर तो यू नो औरतें आगे कितना जा सकती हैं लोकेट योर सेल्फ कि आपने कितना कुछ अचीव किया कोई यार बच्चे साथ जा रहे हैं हाँ, कंफर्ट ना है है हाँ, हाँ। और तो तो बहुत कुछ किया जा सकता बिल्कुल, बिल्कुल। तो यासिर से कैसे जब पहली दफा मुझे वक्त सीनियर एक्टर था मेरीन जब्बारायू सईद के ग्रुप में बड़ा अकड़ू था कि पता नहीं मैं क्या हूँ मुझे लगता था कि उसको अपने गोरे रंग पे ज़्यादा ही फंसा करता <laughs> था या क्या इतराता था बहुत ना सो so, पहले दिन जब मैं उस वक्त नई नई थी बिल्कुल ना वो तो मुझे एक ड्रामा मिला मैंने कहा अच्छा यासर नवाज़ है मेरे साथ सही है ज़रा सही है पुराने एक्टर तो मैं गई उस दिन ना वो शूट पर नहीं आया उसने डिच कराया मैंने पूरा मेकअप हुआ हुआ और तो मैंने कहा कितना घमंडी इंसान है मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए सही है मैं नहीं हूँ मगर मैं आई हूँ शूट कैंसिल हो गई उसकी वजह से क्योंकि वो सुबह शूट पे नहीं आया okay. कोई प्रॉब्लम खैर वो नेक्स्ट डे शूट पर आया सो तो पहला इंप्रेशन मैंने उसे बोला आप तो बहुत घंटी आपने ऐसे किया ये वो लेकिन फिर उसके बाद उसका इंप्रेशन तब्दील हो गया क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि मुझे उसके साथ काम करके बहुत मजा आया है ना वो एक सिंगल okay. प्ले था ओके okay. और हमारी शादी के बाद चला उस था <laughs> सो कैसी, कैसी मारा अपने मियाँ के मुंह <laughs> पहले रिकॉर्ड हुआ था वो बाद में चला। ये की बात कर रही है। नहीं मोहब्बत ये, ये वो उसमें छोले बेचने वाला बना था और मैं कोई अमीर लड़की होती हूँ उसको मुझसे प्यार हो जाता है अच्छा वो वो मोहब्बत सेट नहीं 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 ये मोहब्बत मोहब्बत में मोहब्बत हुई थी ना हाँ तो जब मोहब्बत टेलीफिल्म बन रही थी यासिर के दोस्त हैं वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे प्रोड्यूस कर रहे थे तो तो इस वाले ड्रामे में में कुछ दिल में, नहीं कुछ कुछ होता ही नहीं हुआ हमने सात सीरियल साथ हाँ। सीरियल की जिसमें कैरेक्टर ऐसा था कि मैं सेट पर आती थी या सिर चला जाता था या सिर सेट पे आता था मैं चली जाती थी कुछ नहीं हुआ बस सिर्फ हमारी सलाम दुआ दुआई हंसी मजाक हुई थी एंड देन कुछ भी नहीं ठीक है ठीक है कोई कनेक्शन नहीं थी फिर मोहब्बत के सेट पे वो लोग एक कोई लड़की ढूंढ रहे थे मेन लीड के लिए तो यासर ने मुझे रेकमेंड किया कि वो अच्छी है काजिम पाशा की बेटी है उस वक्त हाँ। काजिम पाशा की बेटी थी ना हाँ। अपना कोई लेना देना ही नहीं था निदा यासिर कोई नहीं था निदा पाशा को कोई नहीं जानता था हाँ। वो काजिम पाशा की बेटी है ना उसको ले लो हाँ। नहीं आई है सो खैर मुझे मोहब्बत के सेट पर मैं गई उस पर मेरा यासर के साथ अच्छा काम था तो जब काम ख़त्म होता था तो उस वक्त तो प्रोडक्शन के इतने मज़े नहीं थे कि नदा के लिए अलग गाड़ी है तो फलाने के लिए अलग गाड़ी है हम इकट्ठे ही वैन होती थी एन जी वैन वैन में आगे लड़कियों को बिठा दिया जाता था अब मैंने कहा यार मैं इतनी देर में घर पहुंचूंगी सामान उतारते हुए ना इतने हमारे थोड़ी भरम थे कि हमें अलग गाड़ी मिलेगी तो यासर ने कहा अच्छा आपका घर करीब है मैं आपको छोड़ दूंगा बस उसी घर छोड़ने में पटा लिया पटाया नहीं मुझे तो कानो कान खबर ही नहीं हुई ओह घर छोड़ते थे और मुझे कोई क्योंकि मुझे लगता था एक मूछो वाला आदमी मुझसे कितना बड़ा होगा ये

और मुझे तो ये वैसे ही यासिर ना थोड़ा सा एक रोबदार पर्सनैलिटी है वो लगता था डर लगता था इसे। तो जब इसी तरह यासिर मुझे घर छोड़ने एक दफा जा रहा था तो उसने घर का रास्ता बदल के पीटीवी का रास्ता ले लिया और वो घुमा के गाड़ी जाने लगा मैंने कहा कहाँ कहाँ जा रहे हैं सो so, वो कहने लगे वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है hmm. तो जब जूस पीने चले मैंने कहा नहीं 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 मुझे नहीं जाना <laughs> अच्छा मेरी अम्मी अबू की तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं थी उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई लड़का ऑफर करे कि मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो या कहीं उसे घर ले आना चाय पिलाने कहीं जाना मत ओके okay. बहुत लिबरल थे वो लेकिन हमारे घर के कुछ रूल्स थे hmm. मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रही जूस पीने वो भी ग्रुप में जाए अलग अकेले मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती मुझे घर से इजाज़त नहीं तो उन्होंने रास्ता लंबा कर लिया और वो पीटीवी की सड़क से पीटीवी की सड़क पे उसने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करनी है hmm. और मैंने आपको पता है क्या जवाब दिया hmm. नहीं आप सिंधी है मैं आपसे शादी नहीं कर सकती कह रहे क्या मैं सिंधी हूँ हिंदू थोड़ी हूँ तुम ये क्या कह रही हो हमारा मजहब एक है तुम ये क्या कह रही हो मतलब रिश्ता हुआ मेरी हाँ। और मंगनी हुई क्या बात हुई <laughs> हाँ। क्या बेवहूफी का जवाबी आप मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो डर था यासिर के अबू का ड्रामे देख कर एक वो इम्पेक्ट बना हुआ था कि हो वो वो एक वो एक रोब होती है पर्सनैलिटी होती है मतलब एक गलत था वो मेरे पास एक दिमाग में गलत परसेप्शन था जो नहीं है ऐसा अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ फिर फिर हाँ मैंने ऐसे को साफ मना कर दिया कि हो ही नहीं सकता नामुमकिन ये नाम बहुत ही दुखी की ड्रॉप किया होगा वापस नहीं तो कहने का अच्छा बस हमारी दोस्त मैंने बोल दिया आपको लेकिन प्लीज़ अब कोई इस पर हमारी सलाम दुआ ख़त्म नहीं होनी चाहिए ओके ठीक है मैं घर गई मैंने अपनी अम्मी को मेरी अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती मैंने अम्मियाँ और बहनों को बताया तो मेरी अम्मियाँ और बहन इतना हंसी ये कोई जवाब है सिंधी कहने का उसको पर खो ऐसे थोड़ी होता है कि मुँह पे चमाट मार के आ गई तुम तो के नहीं हो सकती हुँ, हुँ, हुँ। उसको मेरे अबू को नहीं पता था तो फिर मैंने आ, अच्छा खैर गीत चुप हो गई मैं फिर आ, यासर और मैं एक दूसरे हमारा एक ही दोस्तों का ग्रुप था तो हम शादी में इसमें उसमें मिलते जुलते रहे और तो फिर मुझे लगा कि फिर उस वक्त से मुझे पटाना शुरू किया अच्छा कभी मुझे फूल दे दे कभी मुझे गजरे दे दे और गाड़ी में ऑफर करने लगा मैं छोड़ के आ सकता हूँ आपको कोई मसला नहीं है प्रपोज तो, किया बट आप घबराई नहीं मैं फिर भी छोड़ देता हूँ हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं और इतना परफ्यूम लगा के साथ बैठता था ना कि आप वैसे ही ना अट्रैक्ट हो उफ, फ्रेश, फ्रेश। लेकिन ये मैं बता दूँ कि वो उसने मुझे बाद में बताया मैंने कहा तुम इतना परफ्यूम पे पैसे खर्च करते हो थोड़े जमा करो तो उसने मुझे बताया मैं नकली वाला परफ्यूम नहीं होता बनाता वो जो वो जिसकी बहुत थोड़ी देर में ही वो उड़ जाती है सो so, ये मैं पैसे इतने खर्च नहीं करता मैं नकली वाले परफ्यूम <laughs> तो मुझे ये वाली बातें ना उसकी इतनी अच्छी लगी कि मारता था और वो ब्रांड और ये और वो बहुत फेक नहीं था नेचुरल था हाँ। तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें अच्छी लगी उसकी कंपनी में मुझे मजा आने लगा बहुत था हाँ। और सूरत का तो अच्छा था थोड़ा नहीं फिर है? मैंने कहा कहने लगा की अंदाजा हो गया होगा कि लड़की पट गई है नहीं अंदाजा हुआ था है? मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई मारती हूँ अपने अब से पूछती हूँ तो मैं अबू के पास गई बहुत हिम्मत बांध के रात के चार बज रहे थे तो मैंने अबू से कहा अबू सुने वो मुझे आपसे एक बात करनी है कह रहे हैं कि इसके बारे में यासर के बारे में <laughs> मेरा ना, ना मुँह खुला का खुला रह गया अल्लाह मेरे अब्बू को कैसे पता मैं तो डिस्कस नहीं किया लेकिन अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि मैं उसकी बातें बहुत करती थी वो तहस आता है वो ये करता है वो घर में डिस्कशन करती थी तो उन उन्होंने थोड़ा स्मेल कर लिया था कह रहे नदा के नहीं देखो हम तो में शादी नहीं करो हवाई रोज़ी है मैंने कहा आप तो ख़ुद शोबेज़ में कह रहे हैं भाई हम तो पी टी वी पर नौकरी में हैं ये वो सो so, उन्होंने मुझे समझाया मैं समझ गई मैंने कहा ठीक है पापा मैं कुछ उसमें इन्वॉल्व थोड़ी हूँ अगर आपको सही नहीं लगता तो मैं उसे मना कर देती हूँ तो मैंने यहाँ से को फ़ोन किया मैंने कहा तुम्हारी हवाई रोज़ी है <laughs> मेरे अबू तैयार नहीं है मैं तो नहीं कर सकती मैं तो तुम्हें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ और मेरी तरफ से मना है क्योंकि मेरे अब्बू ने मना कर दिया कह रहे अच्छा सही है तुम अपने अबू से को मुझे एक चांस दे ने मुझे ये मना नहीं किया ऐसे अबू ने कहा मैं दो साल देता हूँ तुम्हारी शादी की मुझे कोई जल्दी नहीं है उसको कहो कुछ वो पक्का काम कर ले दो साल में दो साल में वो दो, दो साल में वो लड़की कैसे जाने देता हाँ। उसने बुतिक खोली हाँ। उसने मेरे अब्बा को करने के लिए बुटीक खोली हाँ। और जमजमा पे, जम पे एक बुतिक खोली जो किराए पे ली वहा पे औरतों के कपड़े थे उसने मर्दों के कपड़े पे कैसे सिलवा सुलवा के फैसलाबाद गया मुंह पे चादर लेके खुद कपड़ा खरीदा और कैसे कपड़े मर्दों dedication भाई हाँ। बड़ी स्टोरी है यहां पे यार फिर उसने बुटीक की की मेरे, हाँ। मेरे <laughs> <गिफ्ट करने गया laughs> <उनको। laughs> मर्द हजरात सुन ले अच्छी मिल रही है पे <laughs> <laughs> तो मेरे अबू को कहा मेरे अबू ने कहा अरे भाई इसने तो दो महीने में दो साल गया तो वो भी थोड़ी इस चीज से इम्प्रेस हुए खैर फिर उन्होंने थोड़ी हामी उन्होंने कहा अच्छा सही है घर वालों का घर वाले तो रिश्ता लेके आ गए फिर हम उनके घर गए हमने उनका घर देखा इस तरह हमारी मंगनी की बात तय ओके तो, 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 तो हमारी मंगनी तय हुई और फिर मेरी यासिर से जो एक्चुअल वाली अटैचमेंट होती है वो मंगनी के बाद शुरू हो और कितने से बाद शादी हुई आप लोग डेढ़ साल साल डेढ़ साल बाद शादी हुई और बुटीक के कुछ ही महीनों बाद वो मंगनी के कुछ ही महीनों बाद बुटीक बंद हो गई Okay. पूछा नहीं था, या तब भी चलो, जाने ने कहा मुझे मुझे फंसाने के लिए तुम लोगों ने बतीक बोली <laughs> थी तुम लोगों की प्लानिंग थी मगर माशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छा काम करता अच्छा अर्न कर रहा था mm -hmm. उसको बतीक की ज़रूरत नहीं थी yeah. उस वक्त अबू को थोड़ा सा आइडिया नहीं था mm -hmm. पी का नहीं दौर था कि खाली एक ही चैनल उस वक्त ज़्यादा चैनल्स थे और एक्टर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे सो फिर मेरे अबू ने अब तो बती अब हो गई थी हाँ। अच्छा अब वो बताएं कि किसके पैसों से कारपेट डला था और वो मुझे मुझे किसान हाँ। है फॉर ऑल द यंग कपल्स जो स्ट्रगल करते हैं उनको पता हाँ। चले कि यार आ, मजा आता है अच्छा ये भी यासिर के घरने की भी बहुत अच्छी चीज थी कि ये लोग जैसे होते ना टिपिकल के अच्छा लड़की ऐसे है ये लोग ऐसा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे वो लोग भी बिल्कुल बहुत इस मामले में अच्छे थे उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि ऐसा हो कि लालची है ये हो सो वो कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई Uh, मे मेरे हमारे यहाँ रूल था कि हम अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा के ससुराल भेजेंगे हम कोई जहेज़ और ये कोई डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे वेरी गुड मेरी अम्मी अबू के का ये रूल था उन्होंने तीनों बेटियों के साथ ऐसा ही किया हुँ, हुँ. हम लोग जब हमारी शादियाँ हुई तो हम हमारे पास बैंक बैलेंस अपना कमाया हुआ था हम अपने पैरों पे खड़े थे हम स्टैब्लिश थे छोटी उम्रों में ही वाँ. मेरी 21 साल में शादी हुई दूसरी बहनों की भी 24 में किसी की इस तरह लेकिन हम स्टैब्लिश थे बहने सो so, uh, जब मेरी यासिर से शादी हो रही थी तो जैसे बेडरूम सेट मैंने अपनी जो पैसे जमा किए थे एक्टिंग करके उससे बनाया यासिर ने कारपेट डलवाया उसने एसी लगाया पर्दे लगाए मैंने मैं फ्रिज ले कर टी वी ले कर लिया सबने मिल के यासिर के सब घर वाले नीचे रहते थे हमने ऊपर का अपना एक पोर्शन सेट किया सेट किया कि हमारे दोस्त वोस्त आए तो हमारा ड्रॉइंग रूम हो या वो हो हम सब इकट्ठे रहते थे तब दानिश उस वक्त मैरिड नहीं था दूसरे भाई की शादी हो गई थी सो so, मैं एक ऐसे भरे पूरे घर में शादी होके गई सो एक साल बाद सब लोग अलग अलग हो गए क्योंकि वो रेंट का घर था वो अपना नहीं था लेकिन जो है वो हमारी एक इस तरह की जर्नी थी कि हमने अपनी हर चीज खुद बनाई आसरो में फिर हम रेंट के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए अलग फिर यासिन ने पैसे जमा करके वो नादानिया वाला अपार्टमेंट खरीदा फिर मैंने थोड़े से पैसे लगा उसको के उसको रेनोवेट किया मिलजुल कर फिर हमने नादानिया बनाया फिर हमने वहाँ से जो पैसे कमाए फिर हमने उसे घर बनाया माशाल्लाह। सो so, मुझे ऐसा लगता है वो कपल जो साथ स्ट्रगल करते हैं न वो बहुत चाहे उनके बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़े ये सारी तलखियाँ हों कुछ भी हों वो उनका साथ बहुत लंबा चलता है जो एक साथ स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो मुश्किल टाइम अगर आप साथ रह गए हाँ। तो फिर आप किसी भी टाइम में साथ रह सकते हाँ। हैं ना हाँ। फिर आप एक लेवल आ जाते हाँ यासिन ने बहुत मेहनत की बहुत काम किया उसने एक्टिंग उसको लगा कि एक्टिंग से ज्यादा पैसे मैं डायरेक्शन में कमा सकता हूँ उसने एक्टिंग छोड़ के वो डायरेक्शन में आ गया फैमिली को सामने रखा न सो so, nice. uh, इस तरह हमने तिनका तिनका जोड़ के अपना घोंसला बना अच्छा मुझे बताएं मैं आप दोनों के इंटरव्यूज देख रही थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था मजे का भी लग रहा था आप लोग इतने ऑनेस्ट हैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में मतलब आप लोग खुला एक दूसरे की टेक ले रहे होते हैं इंटरव्यूज हाँ। में वो आपकी बातें बता रहे हैं आप उनकी बताएं एंड ना मैंने यासिर के माते पर फ्राउनिंग देखी कि आपने कोई बात बोली है ना मैंने आपको बिल्कुल भी बुरा मानते हुए देखा जब यासिर आपकी बातें बता रहे हैं इन उसी तरह आप बहुत ओपनली एज अ वाइफ आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आप बात कर रही हैं और यासर भी बता रहे हैं और ऐसा हाँ. करें तो मुझे ये केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत हाँ, हमेशा से ऐसी नहीं थी हमेशा okay. से ऐसा नहीं था शादी के नए नए दिन थे इंटरव्यू करने लोग आते थे hmm. तो आ, मैं थोड़ी बहुत बड़बोली बोली हूँ मैं बहुत hmm. बोल देती थी okay. सो उस वक्त जाके जब वो चले जाते तो मुझे या फिर से समझाता था नहीं ये भी नहीं इतना नहीं बोलो ये नहीं बोलो लेकिन ना आप इंसान की फितरत नहीं चेंज कर सकते मेरी फितरत ऐसी है मेरी नेचर ऐसी है और एक्चुअली यासर की भी नेचर ऐसी ही थी yeah. फिर उसको लगा कि मैं तो उसको नहीं बदल सकता ये तो बोल देगी टीवी पे जो so. भी है अंदर की <laughs> बात बाहर कट कब तक मैं उसको रोकूंगा सो mm -hmm. so फिर वो भी ऐसे ही हो गया क्योंकि आप कितने अरसे तक फेकनेस दिखाएंगे बिल्कुल mm -hmm. एक इंटरव्यू देंगे आप फेक होंगे दूसरा देंगे आपने ये बात यहाँ कही है तो वो बात वहाँ कहेंगे तो हमारी हर बात हर जगह एक जैसी होती है क्योंकि हम जो अंदर हैं वो बाहर है सिंपल इतना लड़ते हैं हम कभी कभार मगर हमारी लड़ाई लंबी नहीं होती नहीं। कभी लड़ाई होगी तो ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे और दूसरे ही दिन ये यासिर की आदत है वो मुझे मना लेगा वो दोस्ती कर लेगा और ये आ, ऐसा लगेगा कि कभी लड़ाई नहीं हो हमारी बहुत लंबी लड़ाइयाँ नहीं चलती नहीं। बहुत होती हैं लेकिन जब आप जल्दी दोस्ती कर लेते हैं ना तो दूसरे लोगों को आगे अंदर टांगे अड़ाने का मौका नहीं मिलता आपकी शादी को इतने साल हो गए माशा यू नो और जैसा आप बता रही हैं कि वो शुरू के दिन थे और अब 20 साल हो चुके हैं राइट दो साल बहुत मुश्किल होते हैं हाँ, okay. किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपको दो साल दोनों के लिए आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी हुँ. जो आपको आजकल आप देख रहे नए बच्चे जो हैं वो दूसरे के साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग मेरा सवाल इसीलिए था कि आपने जो ये साल गुजारे तो आपकी रिलेशनशिप कैसे ट्रांजिशन हुई क्या चैलेंजेस हुए और कैसे आपने फेस किया आप दोनों ने और अगर आप कुछ शेयर कर सकें एग्जाम्पल के साथ या कुछ यू नो you know, कुछ बातें बता सकें ना देखिए पता है क्या होता है जब आप आप उस वक्त यंग होते हैं ना आप बहुत इमेच्योर होते हैं खासतौर पर लड़कियाँ वो हर बात जा जा के अपने घर वालों को बताती हैं जैसे मैं भी क्या करती थी मगर मेरी अम्मी जो है वो उस मामले में बहुत सेंसिबल थी वो कभी भी मेरी बातें नहीं सुनती थी मैं अपना कितार अपने अबू के पास जाके करती थी सो जो आदमी होते हैं ना घर का वो बहुत जज्बाती होते है मेरी बेटी मेरी बहन वो बहुत जज्बाती होते हैं इस मामले में सो so, ये बात मैंने बाद में जाके सीखी जो कि मैं अपनी आप बेटी को भी मशवरा देती हूँ अगर आपको कितार्स करना है ना आप अपने दोस्तों से कर लें किथहार्स okay. पेरेंट्स से नहीं करें बहनों से नहीं करें क्योंकि फिर उनके दिल में जो है ना वो बात रह जाती है मियाँ बीवी लड़ते है, मरते है, फिर एक हो जाते हैं एक ऐसा रिश्ता अल्लाह की तरफ से ये निका की कि अट्रैक्शन ऐसी है कि आप लड़े मड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे और घर वाले जो आपके लिए स्टैंड ले रहे होते हैं तुमने मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया उनके बीच में दिलों में बात आ जाती है रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है एग्जैक्टली exactly. जो भी बीवी मियाँ हो या बीवी हाँ, हो उसके लिए you know, हाँ. तो वो जो शुरू की शादी के दो साल होते हैं उसमें ताली दोनों हाथ से बचती है वो अगर आप निकाल लेते हैं ना तो आपकी बाकी की लाइफ स्मूथ हो जाती है उस वक्त आपको सास की बातें भी बुरी लगती हैं जबकि वो बुरी होती नहीं है इतनी सी बात भी उतनी बड़ी लगती है जबकि कोई ऐसी बात होती नहीं है तो जब आप थोड़ा साल ज्यादा हो जाते हैं फिर आप रियलाइज करते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं था सही बात है हाँ। क्योंकि आप में भी मेचोरिटी और पेशेंस आ जाता है ना जी। और वो जज्बात भी उतने इतने नहीं रहते इमोशनल हाँ उस रियक्ट रिएक्ट और और आप बहुत लकी भी होते हैं कि आपको जिंदगी में जो आपके दोस्त हैं आपके कलीग्स कलीग होते हैं अच्छे मिलते हैं कि वो आपको कहते हैं नहीं 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 कोई गलत कदम नहीं उठाना छोटी सी बात है खत्म हो जाएगी नहीं 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 अगर आपको लोग आपके इर्द गिर के अच्छे मिलते हैं ना तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बुझने के बजाय खिलता है दिन ब दिन और आपको काम करना पड़ता है मैं तो यासे के साथ छुट्टियों पे चली जाती हूँ एक एक हफ्ते की पानी देने के लिए इस पौधे को पानी देने के लिए जरूरी है तो ट्रांजिशन कैसे हुआ आपको क्या लगता है रिलेशनशिप पहले कैसी थी अब कैसी आई अब क्या चैलेंजेस आपको फील होते हैं देखिए कभी आ, आ, लचक ना दोनों में होनी चाहिए कभी आदमी को झुकना पड़ता है कभी औरत को झुकना पड़ता है हमेशा कोई एक नहीं झुक सकता दोनों को बहुत लचकदार होना चाहिए और अगर दोनों दिल से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं ना तो फिर वो उस पर काम करते हैं अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है आपकी ज़िंदगी में और आपको दोनों में से किसी एक को बनाना ही नहीं है फिर तो कोई नसीहत देने का फ़ायदा ही नहीं है बट नहीं जैसे अभी आप कह रही है कि मैं यासिक से साथ छुट्टियों पे चली जाती हूँ एक हफ्ते के लिए पौधा है उसको पानी देनी देना पड़ता है तो मुझे लगता है आपकी और यासिक की अगर मैं रिलेशनशिप या कपल को एज़ अ कपल लूँ तो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं Hmm. आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को देख के हम सोच सकते हैं कि कोई भी कपल जो दो बिकॉज आजकल तो मियाँ बीवी दोनों ही काम कर रहे होते हैं जिनकी जिंदगियों में इतनी चीज़ें इतनी डिस्ट्रैक्शन हैं और अपनी अपनी सोशल लाइफ भी एक तरह से हो रही होती है लड़कियाँ यू you नो know, नाइट आउट विद लड़कियां और बॉयज का अलग वो चल रहा होता है आप लोगों की थोड़ी बहुत यू you नो know, इस तरह की हमें लगता है कि हम एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं तो हाउ डू यू ये इस इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अब जैसे आपने बोला कि तीसरी कोई पार्टी ना आ जाए hmm. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ जाए hmm. दोनों के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ नहीं जाए hmm. तो आप क्या एडवाइस करेंगी कपल्स को क्योंकि आप लोग तो इस ट्रांजिशन से गुजर गुजरे उस स्टेज hmm. से गुजरे और अभी भी गुजर रहे हैं यू नो विद सो सच अच्छा मैं एक business. बात बताऊं आपको hmm. बच्चों का भी बहुत रोल होता है एक दूसरे को ग्लू रखने के लिए बट देखो बच्चों के बावजूद भी हो जाता है कभी कभी अगर आई डोंट नो हो जाता है लेकिन शायद फिर नसीब भी होता है, भी होता है हाँ। लोगों की नसीब भी आप, होती आप, है हाँ, मैं हाँ, कहती हूँ तो आप सबका खैरात तो करते रहें बहुत क्योंकि आप अगर दोनों ऑन स्क्रीन है सो नज़रें लगती हैं आपको नहीं पता होता कि न, मतलब ये तो आपकी कुरान में हाँ, है नज़र तो नजर तो सो ये वाली चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दूसरा कि आपने दो कान इस्तेमाल करने है आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपने कौन सी बात को सुनना है और उस पर रिएक्ट करना है और कौन सी बात पे रिएक्ट नहीं करना Okay. ये आपको पता होना चाहिए okay. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट okay. बात यह होती है कि मैं और यासर जो है जब हमारे बच्चे छोटे थे ना हम बहुत सोशलाइज नहीं करते थे okay. हम सिर्फ बच्चों की बर्थडे में अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी ने हमें बच्चों की बर्थडे पे इनवाइट किया है ना सो हम इस तरह जाते थे ग्रुप में बच्चों के okay. साथ okay. Okay. अब आपको मैं और यासर नजर आते होंगे कई uh -huh. दावतों में लेकिन हमारे छोटे थे बच्चे हम नहीं जाते थे हमने उस वक्त यंग एज में सोशलाइज कर करके अपना इनका भी <laughs> हाँ। ये भी एक बहुत आप लोगों ने फैमिली की यूनिट को एज अ यूनिट स्ट्रांग किया और वो वो नहीं किया कि दूसरी डिस्ट्रैक्शंस पे आप जाएं शादी यंग एज में होनी चाहिए हाँ या नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए, चाहिए। क्या फायदे होते हैं फायदा ये होता है कि आपके बच्च... आप भी जवान होते हैं आपके बच्चे भी जवान होते हैं बहुत मजा आता है फिर ओके वो एक अलग लाइफ है थोड़ी सी और तो यंग एज में थोड़ा आप इतने समझदार नहीं होते थोड़े थोड़े मत बहुत मुश्किलात मैंने फेस की हैं उस यंग एज में छोटी छुट छोटी बात पर रोने लगती थी तो ना रोना आता था, था अब रुलाती हूँ <laughs> वो और बात है लेकिन जो है वो यंग एज थोड़ी सी मुश्किल होती कि आपको उतनी समझ नहीं होती मगर फिर बाद में आपको जो है ना उसका बहुत मुश्किल टाइम निकल जाए तो फिर चीज़ें हाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान में या साउथ एशिया में भी मैं कहूँगी Um, औरत कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए कितनी भी फाइनेंशियली uh, ख़ुद मुख्तार हो जाए या सोशली या जो भी है घर में उसको एज अ वाइफ शादी हुँ. के लिए एज एग्रीबल वाइफ ही होना पड़ता है या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होना पड़ताली वाइफ है। की नहीं अगर आप एज बेटी कहेंगी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बेटियाँ हैं घर जा उनको बेटी का रोल अदा करना है उनको बहन का रोलन आप कह रही हैं घर वाले, वाले तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते भाई घर वालों के लिए आप वही हैं और ऐसे ही होना चाहिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक अलग है और आपका घर अलग है ओके okay, okay, मेरा मतलब ये था कि इधर आप बाहर हैं आप अपनी इंडिपेंडेंटली आप डिसाइड कर रही हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना है इतने बड़े ऑफिस में काम करी हैं इतना बड़ा शो चला लेकिन जब घर जाती हैं तो एज अ वाइफ एज अ डॉटर जो बात आपके घर के बड़े कह रहे हैं वो लास्ट कॉल हो जाती है आपकी आप कुछ लगता है कि काफ़ी दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों को करना पड़ता आपका है आपका एक्सपीरियंस है ऐसा हाँ बिल्कुल बहुत दफ़ा हमारे घर में अगर आप मेरे शादी के ज़िंदगी के बाद की बात करते हैं तो हमारे घर में ज़्यादातर जो फैसले हैं वो यासर लेते हैं मैं मुझे भी वो शामिल करते हैं ऐसा नहीं है कि वो अलग ही ले रहे होते हैं कुछ मामलों में उनके फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में स्पेशली बेटे को कैसे परवान चढ़ाना चाहिए वो यासर को बहुत अच्छा पता है ओके okay. क्योंकि हम तीन महीने और हमारा एक छोटा भाई है hmm. सो वो मुझे इतना आइडिया नहीं है hmm. लेकिन एज बेटी की परवरिश कैसी होनी चाहिए hmm. वो मैं यासर को बताती हूँ कि तुम्हें तो okay. अपनी बेटी के साथ ऐसा रिलेशन रखना है मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा रखा hmm. वो बेटियों के लिए बहुत अच्छा होता है सो हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं इस मामले में सो कुछ लॉज यासिर बनाता है घर के हमारे घर के कुछ रूल्स हैं जो सेट हुए हुए हैं कि मोबाइल इतने बजे तक बच्चे इस्तेमाल करेंगे ये होगा वो नहीं होगा सो तो वो मैं उसको करती हूँ okay. और कुछ बातें वो मेरी सुनता है सो okay. so, दोनों की एक दूसरे के साथ इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और मैं उसको स्पेस देती हूँ और वो दोस्तों के यहाँ तो मैं उसको फ़ोन कर करके नहीं कहती कि भाई आ जाओ यार उसको भी रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए कि वो अपने दोस्तों के पास बैठा है सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपको लगता है कि नहीं हाँ, कि नहीं पड़ता दोनों का मिल या थोड़ा गिव हाँ। इन दोनों की तरफ से होता है और शायद ये मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ yeah, so yes, अगर मैं वर्किंग नहीं होती yeah. और मेरा टाइम सारा घर में ही गुजर रहा होता फिर मैं अपनी मियाँ को चिपकी होती जल्दी आओ आओ मत बैठो दोस्तों में मुझे टाइम दो शायद मैं वर्किंग हूँ सो वो मुझे स्पेस दे रहा है मेरी स्पेस ये है कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है मेरे लिए यही बहुत आपको लगता है मैरिज में यहाँ पे पाकिस्तान में काउंसलिंग और मैरिज थेरेपी को बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते नहीं हैं, करते uh, उनकी हाँ। उनको लगता है उनकी थेरेपी अगर हाँ। वो किसी चाची नानी मामी से जाके मशवे से उन्हें मुझे बताएं सब सबीना हाला में क्या करूँ सो तो वो उनको लगता है वो काउंसलर्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वाकई अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी स्पेशलिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है ना उन्होंने तो पढ़ा हुआ होता है जो थेरेपिस्ट होते yeah, yeah, थे ठीक है जी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मजा आ रहा है सुन के <laughs> अच्छा मुझे बताइए मॉर्निंग शो तो जब वो टाइम आया होगा बीच में कहीं जब आप बोर हो गई हो सब कैसे उसमें इंटरेस्ट लाई कैसे अपने आप को वापस सोचा कि अच्छा yeah, नहीं यार क्या क्या थॉट प्रोसेस चला अच्छा कभी ऐसा मेरे साथ जब होता है ना मैं छुट्टी पे चली जाती हूँ ओके okay. मैं एक छोटी छोटी छुट्टियाँ चोटी लेती रहती हूँ बीच में मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है hmm. जब मैं ट्रैवल करने जाती हूँ ना तो hmm. वो ही मेरी एक बैटरी चार्ज हो जाती है okay. और 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 नए आइडियाज नई चीज़ें सब मेरा दिमाग खुलता है ah. मैं uh, routine... हाँ ah, मुझे ah. याद आने लगता है ah. मैं जो इतने अरसे तक सरवाइव कर पाई हूँ ना मॉर्निंग शो को कंसिस्टेंट होके लेके चल पाई वो इसी वजह से कि मैं अपने अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए मैं छुट्टी पे चली जाती हूँ और ट्रैवलिंग में इंसान थकता है मैं थकती हूँ hmm. लेकिन मेर, मेरा दिमाग एकदम चार्ज हो जाता है और मैं और मैं थकी हुए होने के बावजूद मुझे ज्यादा आइडियाज आते हैं hmm. तो अनीता क्या है फ्यूचर में हाउ डू यू मेक श्योर कि हर ये है आपके जहन में कि हर कोचर से बाद आपने कुछ इनोवेशन लानी है कुछ बेहतर करना है या उसमें कुछ चेंज लेकर आना है या आपको लगता है कि इसका एक सेट पैटर्न सेट हुआ वा है हमने बहुत चेंजेस किए हैं और चेंजेस होती रहती हैं वो इस तरह होता है कि जैसे हमारी रेटिंग लगता है जब गिरने लगती तो लोगों को अब कुछ और चाहिए okay. हर तीन महीने बाद लोगों को कुछ और चाहिए होता। okay. चाहिए वही चीजें होती हैं घूम फिर के उसका, उसका इस तरह डिफरेंट हाँ, exactly. हाँ अब आप देखे हम शादी वीक्स नहीं करते yeah, yeah. क्योंकि ज्यादा हो गया वो हर कोई करने लगा था हर कोई करने लगा था दोनों एक दूसरे अलग अलग चैनल मुकाबले के लिए हर दो महीने बाद शादी वीक करते थे पहले एक्सक्लूसिव होता था वो सो हम अपने पैटर्न्स चेंज करते रहते हैं लोगों की पसंदीदगी के हिसाब से आपकी जॉब मुझे इतनी मुश्किल लगती है कि घर में कुछ भी हो रहा हो इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो आपको सुबह उठ के तैयार होके मुस्कुराते हुए जाना है और सिर्फ मुस्कुराना नहीं आपकी एनर्जी भी वैसी होनी चाहिए आपकी टोन डल नहीं हो सकती उसमें उतनी ही उतना ही जज्बा उतना ही निखार होना चाहिए जो जैसे कि जैसे जिंदगी में सब कुछ सही है यहाँ मुझे सपोर्ट करती है ना तो बट इट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ कितना मुश्किल होता I है आई नो मैं आपको कह रही हूँ ना कि और कभी कभी कोई टाइम ऐसा हुआ जो आप शेयर कर सकें जब आप का दिल नहीं चाह रहा हो बता रही हूँ ना जब यासर जब मैंने शुरू शुरू में मॉर्निंग शो ज्वाइन किया था तो वो मेरा मियाँ बहुत डरा हुआ था वो खुश नहीं था उसको वो बहुत डरा हुआ था बाकी सारी होस्ट की ज़िंदियाँ देख कर कि मेरा घर ना टूट जाए मेरे बच्चे निगलेक्ट नहीं हो जाएँ इतनी ज़्यादा लाइम लाइट मिल जाए सो उसको बहुत सारे डर और खौफ़ थे सो so, मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी लाइक like, hmm. शो करने में आ, मुझे हंसना होता था और मैं रात भर की जागी हुई होती थी hmm. मुझे वो स्ट्रेस होता था आ, फिर मैंने उसे प्रूफ करके दिखाया कि सरताज मैं hmm. भी भी आपकी सुनती हूँ सरताज देखिए ये कपड़े सही हैं दुपट्टा सही है फिर मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वाल्व है इन एवरीथिंग हाँ मुझे बहुत मतलब लाइक like, हाँ. काफ़ी चीज़ों में जो मुझे उससे इजाज़त लेनी पड़ती है ओके okay. सो okay. so, सही है अगर यार आप, आपका घर का माहौल आपने Very अच्छा sure. रखना है आप आप अपनी ज़िंदगी को खुद अजीरन बनाते हैं मैं इस बात पर बिलीव नहीं रखती कि अच्छा ये क्या बात है मुझे कहती है बहुत सारे लोग ये क्या बात है मियाँ से पूछ लिया है वो यार मैंने अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाना है मैंने अपने बच्चों को लड़ते हुए माँ बाप नहीं दिखाने मुझे अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना है या को ना अगर जरा सी गर्दन में लटक के कुछ मनाओ ना किसी चीज़ को वो मान जाता है वो उतना मुश्किल जितना मुझे लगता था कि वो मुश्किल आदमी है वो नहीं है इतना वो थोड़ा ऐसा है ना है तो ऊपर से बाहर से कड़क है अंदर से बहुत काइंड हार्टेड है बहुत सॉफ्ट है और ये मुझे अंदाज़ा बाद में आहिस्ता उसके साथ जिंदगी गुजारने के बाद हुआ।, हुआ लेकिन अब आजकल क्या होता है अब 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 जब, जब जिंदगी में ऐसा होता है जब नहीं दिल चाह रहा और आप मुस्कुराती हैं कितना मुश्किल होता है कैसे हैंडल करती हैं मुझे मुस्कुराने में मुश्किल नहीं होती कभी भी दिल नहीं भी चाह रहा हो तब भी मैं मुस्करा लेती हूँ मैम तो अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर जो है ना बहुत पॉजिटिविटी है ओके गुड सो अगर कोई किसी ने मेरे मुझे नुकसान पहुँचाया है कभी ज़िंदगी में मुझे थोड़े से बाद मुझे लगता है यार कोई बात नहीं हम फ़रिश्तों तो के साथ थोड़ी रहते हम तो इंसानों के साथ रहते कोई बात नहीं इसमें दो बुराई हैं तो ये भी तो कितनी अच्छी चीज़ है सो so, वो मेरे सामने कोई भी बैठा होता है जिसको मैं इंटरव्यू करी हूँ तो ना मुझे इतना मज़ा आता है That's उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने में आ, उसकी कामयाबियाँ लोगों से शेयर करने में मुझे दिल से मज़ा आता है और वो चीज़ मेरे चेहरे पे नुमाया होती है इसीलिए कोई ऐसा नहीं है अभी तक जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया हो और मैं किसी गेस्ट को नाराज भी नहीं देख सकती मुझे वो भी बहुत सबको कुछ अजीब होता है मुझे आप में ये चीज नजर आती है अच्छा जिस तरह आपकी पॉजिटिविटी है आप जो टेढ़े मेढ़े सवाल भी हैं वो बड़े आराम से कर लेती है हाँ मैं सच में मैं देखती हूँ थैंक यू सो मच अच्छा ये मुझे <laughs> बताए चैलेंज क्या है इस, को करने का या अब कुछ चैलेंज नहीं है अब रो गई है रोज नया चैलेंज है आपको पता है मुझ पर प्रेशर नहीं डालता कोई भी मेरा है ड्रेटिंग का उसकी रीज़न ये है कि मैं खुद ही प्रेशर लेती हूँ hmm. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अच्छा शो नहीं किया ना तो मैंने अपनी रोज़ी हलाल नहीं की hmm. मेरे दिमाग में ये आता है hmm. अगर मैंने मेहनत नहीं की अगर मैंने कहा छोड़ो यार आज ऐसे ही कर लेते हैं hmm. किसी दिन अगर मुझे लगता है कि मेरे शो के अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मुझे जो मुझे देनी चाहिए सो hmm. uh, so मैं मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता है ट मैं बहुत ईमानदार हूँ अगर मैंने फ़िल्म भी प्रोड्यूस की है ना जो अभी इन ईद पर आएगी हमारी फ़िल्म सो so, uh, मैंने अगर फिल्म भी प्रोड्यूस की है ना तो मुझे मैं, मैं उसमें भी ईमानदारी से किए हैं सब चीज़ें सो so, मैं इस मामले में ईमानदार हूँ थोड़ी सी इस मामले हुँ। में तो मैं हर चीज़ में अपने अपने जो मेरा काम भी नहीं है प्रोडक्शन में भी और मेरे शो पर भी सेट देखना या लोगों को लाइन अप करना या कुछ गेस्ट को बुलाना जो मेरा काम भी नहीं है मैं उस पे भी छलांग मारती हूँ okay. आपने कहा एक जगह पे कि आ, मैं अपनी मिस्टेक्स को ओन करती हूँ जो हुँ। भी है या हुँ। जो भी होता है शो में मैं उसको ओन करती हूँ ये मेरी चीज़ है हुँ। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात और आपने जिस तरीके से बोली थी तो, यू वर सो हम्बल जब आप ये कह रही थी लेकिन मैं ये बात सोची थी कि जिंदगी में वो क्या मुकाम आया जब आपने सोचा कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे इर्द गिर्द ये तो मेरी जॉब का हिस्सा ये तो होता रहेगा यू नो you know, लोग बातें भी करेंगे अच्छाई भी करेंगे बुराई भी करेंगे मैं इसको सर पे नहीं सवार कर सकती हुँ. मुझे इसको ओन करना है जैसे आपने कहा हैव टू लिव विद इट किस पॉइंट पे ये हुआ कोई वाक्य हुआ आसपास किसने आपको ये हेल्प की समझाने में ये आपका अपना प्रोसेस था अगर आप कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ जब मैंने शो शुरू किया था ना नया नया उस वक्त अगर मैं कोई ट्रोलिंग होती थी मेरी या वो तो मुझे बहुत डर लगता था कि वो तो आ, जो मेरे ससुराल वाले भी पढ़ेंगे मेरे ख़ानदान वाले भी पढ़ेंगे वो चीज़ें सो मैं अपने हेड्स को जा कहती थी प्लीज़ मेरी कोई पिक्चर या मेरे शो की कोई पिक्चर आप अपने पेज पे ना लगाइएगा ओके मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल होने के लिए से बचती थी तो मैं कहती थी, थी कोई क्लिप नहीं लगवाइएगा कोई नहीं ऐसा करेगा मैं रोकती थी सबको फिर उसके बाद वो जब रुका ही नहीं जब वो क्यों आ, उनके हाथ में तो नहीं उनके तो हाथ में लिए नहीं नहीं, हाँ। जब और भी जगह होने लगा आ, 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 मुझे पहले सिर्फ डर लगता था कि मेरा मियाँ क्या कहेगा मेरा वो जब यासिर ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना कि निदा रिलैक्स निदा चिल निदा परेशान नहीं हो जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना सो so, फिर मैं दिलेर हो रही <laughs> हूँ मेरे का को कोई भी कुछ कहता रहे यार दुनिया yeah. चाहे कुछ भी कहे True. मेरे अपने मेरे साथ हैं yeah. चाहे वो मेरी बहनें हो मेरे मेरे पेरेंट्स हों या मेरे hmm. हस्बैंड हों या मेरे बच्चे हों hmm. जब इन्होंने ख़ानदान ने संभाल लिया ना फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी hmm. फिर मैं हर चीज़ से फाइट कर सकती थी और यार आप रोज़ शो करते हैं लाइव शो है तो इतना तो आप मार्जिन दे ही सकते हैं कि इतने साल से जब मैं आपके सामने बैठी हूँ इंसान हो ना यार मशीन तो नहीं हो मुझसे गलती हो सकती है मैं कोई वहाँ पी hmm. की डिग्री लेके नहीं बैठी हुई और ना ही पी की डिग्री की वजह से उन्होंने मुझे बिठाया है hmm. मैं एक आम औरत हूँ hmm. जो आम औरत के मसाइल उस कैमरे के पार लाइक like, उस औरत के वो मैं भी उनसे गुजरी गुजरी हूँ hmm. उनकी भी सास है मेरी भी सास है उनके भी हस्बैंड से उनकी अनबन होती होगी मेरी भी होती होगी hmm. उनके किचन में भी रोज़ क्या पकाऊँ वो मेरे किचन में भी होता है hmm. उनके बच्चे पालने में उनको भी वो प्रॉब्लम होती है वो मुझे भी सो so, वो मुझसे रिलेट करती हैं hmm. मैं इसलिए उस सीट पे बैठी हुई हूँ hmm. मेरे पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है बस hmm. hmm. मेरे पास एक औरत की डिग्री है एक आम औरत की आम में भी स्पेशल है आप हर और, हर कोई स्पेशल होता know. है तो आप और आप दूसरी एक, पर... एक और hmm. चीज़ जो मेरे अंदर है मैंने जब होटल मैनेजमेंट की ना सो मैं हर तबके के लोगों से उनके लेवल पर आके बात कर सकती हूँ मेरे जो घर की हेल्पिंग हैंड्स है ना वो मुझसे बहुत कम्फर्टेबल होती हैं बात करने में क्योंकि मैं उनको समझा सकती हूँ मैं उनके पास भी अगर किसी कंपनी का सीईओ मेरे पास आके बैठता है ना तो मैं उसके लेवल पे भी बात कर सकती हूँ ये चीज़ मुझे पता भी नहीं चला लेकिन ये जब मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और अलग अलग लोगों से मिलती थी ये चीज़ मेरे अंदर वहाँ से आई जब पहली बार कोई मीम आई जो पहली बार कोई वीडियो ऐसी तो आपको पता चला क्या रिएक्शन था कैसा किस तरह बहुत परेशान थी शुरू शुरू में तो मैं याद है क्या चीज़ थी यार शुरू शुरू में न कुछ इस तरह की बातें आती थी कि देखें अगर किसी ने कोई डांस कर दिया है अच्छा। देखें मॉर्निंग शो पे क्या हो रहा है कोई गेस्ट ने आके फिर किसी कोई कोई गेम खेलते खेलते किसी और गेस्ट ने कोई ऐसा आ, कोई ऐसी ड्राइंग कर दी है जिसका कुछ गलत मतलब है जो कि मुझे शो में नहीं समझ आया नहीं। जब वो वायरल हुई हैं चीज़ें देखें मॉर्निंग शो पर क्या हो रहा है सो so, मैं उससे परेशान होती थी कि अल्लाह मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझ आती है फिर कोई बात कह के कोई गैस चला जाता था मुझे वहाँ तो मेरी सरपी से, से गुजर जाती थी लेकिन जब वो वायरल होती थी अल्लाह अच्छा इसने ये कहा था सो so, ये चीज़ें होती गई थोड़ी टेंशन होती गई हमने बड़ी बेवखूफियाँ भी की हैं बहुत नो डाउट गलतियाँ भी हुई होंगी हमसे बहुत जब आप मुकाबला कर रहे होते ना दूसरे चैनल से सो so, आप कभी उस रेस में ना कभी कभार गलती तो कर दे जाता है, है। तो, ने वैसे भी तो वो हुई होंगी हाँ। और ऐसा ये नहीं सफ़र होता है सफ़र में सभी करता है हाँ हर किसी का सफर और होता मैं ये नहीं कहती आज बैठ के कहूँ मेरे बॉसेस ने मुझसे ये गलती करवाई उन्होंने मुझे नहीं भाई अगर अगर मेरा नाम हुआ है तो ठीक है वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है मेरे बॉसेस की और मेरे इर्द गिर्द टीम की सपोर्ट की वजह से हुआ है लेकिन अगर कोई बात गड़बड़ हुई है तो उसको वो मेरी गलती है और मैंने माफ़ी भी मांगी है कभी कभार गलती हो गई कोई मेरी वजह से डिसहार्ट हो गया सो कोई बात नहीं आसान होता है ये माफ़ी मांगना क्या, क्या मेरे लिए मुश्किल नहीं है मैं इसलिए क्योंकि मैं कभी मेरी जिससे भी होती है लाइक अगर मैं से भी दस हज़ार दफ़ा सॉरी कर देती हूँ अपने बच्चों से भी सॉरी कर देती हूँ सॉरी करना मुश्किल है लेकिन अगर मेरी जैसी पर्सनैलिटी किसी की हो तो शायद इतना मुश्किल नहीं मैं अपने अम्मी अबू से भी सॉरी कर लेती हूँ बट एक फिर रिलीफ भी होता होगा क्योंकि आपने अपनी तरह से कर दिया ना ओह तो वो करना मुश्किल होता है लेकिन आई थिंक जब आप करके ख़त्म करते हैं हाँ। बात तो फिर आपको कहते हैं हाँ यार मैंने अपनी, अपनी भी को नहीं हाँ, है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दिया तो अब जो भी गलती हुई यू नो तो तो वही मैं अपनी गलतियाँ ना मैं ओन करती हूँ इसमें किसी और की गलती नहीं है मेरी चाहे मेरी टीम भी है तो क्यों मैंने टीम की बात क्यों सुनी मुझे नहीं सुननी चाहिए थी बोल तो मैं रही हूँ ना टीवी पे So, ये है आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी आपको लगता है कि आसपास ये दुनिया या ऑडियंस या ट्रोल्स या ट्रोल्स को तो मैं नहीं करूँगी वो आपकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करते हैं आपको लगता है आपको कभी कभी होती है, है मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है लेकिन सच्ची बात है हम तीन बहने थी मेरी जो दूसरी मुझसे से छोटी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उससे छोटी बहन ने एम किया हुआ है सो so, जब हम तीनों का मुकाबला होता था ना तो वो मुझे समझा रही होती थी mm. तो मैं कोई दावा भी नहीं करती मैंने आपको बोला ना मैं दावा भी नहीं करती कि मैं mm. बहुत इंटेलिजेंट हूँ हाँ मैं समझदार हो गई हूँ वक्त के साथ साथ mm. बेवकूफियाँ मैंने बहुत की हैं mm. लेकिन मैं कोई दावा भी नहीं करती mm. कि हाँ मैं टीवी पे आ रही हूँ और मैं उस सीट पे बैठी हूँ तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ मुझे कोई शो नहीं मारना कि मैंने ये भी पढ़ा है मैंने वो भी पढ़ा है जो जॉब है मेरी वो मैं अगर सही से निभा रही हूँ तो ही मुझे लोगों मतलब लाइक मुझे वो सीट मिली भी है और मैं बहुत मेहनती हूँ मैं आज तक इतने सालों बाद भी मैं अपने शो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करती ये मेरी मेरी माँ ने मुझे एज़ मजदूर पाला है मेरी जिन्होंने परवरिश की है मुझे बसों में धक्के खिलवाए हैं जबकि घर में दो दो गाड़ियाँ खड़ी थी मुझे रक्शों में सफ़र कराया है मुझे बहुत मेहनतें कराई हैं ज़िंदगी में उन्होंने मुझे ट्यून किया है इस मेहनत के लिए सो वो मेरी नेचर है तो ये जो अभी आप बात कह रही हैं यही कि इतनी मेहनत करती हैं आप और आपकी टीम भी ऑफ़ कोर्स लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ से लेके मॉर्निंग शोज़ के टॉपिक्स और मॉर्निंग शो होस्ट को लेके कर एक सर्टन टाइप ऑफ है है hmm. है नहीं कभी आपको होता कि यार क्या है? मतलब अब मैं 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 जैसे सवाल लिख भी भी रही थी ना तो वेरी hmm. शायद चौबीस दिन आपने शो किया hmm. नहीं, नहीं, नहीं। hmm. दो दिन कोई ऐसी वैसी बात हो गई लेकिन बाईस दिन जो अच्छी बात हुई उसको में से किसी ने नहीं बोला कभी कभार जब मैं परेशान होती थी ना तो हमारे जो हेड है ना जजिस से जब मैं उनके पास जाती थी तो कहते थे नदा तुम ये ट्रोलिंग देख रही हो तुम ये नहीं देख रही जब तो तुम बाजार जाती हो आंटियाँ तुम्हें कैसे गले लगाती हैं तुम्हें कैसे प्यार करती हैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दिख रही वहाँ से ना फिर उसके बाद मुझे समझ आने लगा मैंने कहा यार जब मैं बाजार जाती हूँ या कहीं कोई भी आके अगर वो यंग लड़की वो कहेगी मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं मेरी नानियाँ आपको बहुत शौक से देखती हैं लिटरली कोरोना में भी जब हम मास्क लगा के जा रहे होते थे मुझे औरतों ने यहाँ मुझे पप्पी की है करोना में भी इतनी वो मोहब्बत देती है ना सो मुझे ये ये सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कितनी आवाम है जो आम लिटरली मेरी अम्मी पंजाब गई थी सियालकोट या पता नहीं कुछ ऐसे शहर गई थी और उनको टीवी पे लोगों ने देखा हुआ था कि ये नदा की अम्मी है मेरी अम्मी के हाथ चूमे थे लोगों ने प्यार किया था और मेरी अम्मी रो रही थी कि तुम तो मतलब एक जमाना था कि तुम हमारी वजह से पहचानी जाती थी और वो वो रो रही थी कि आज हम तुम्हारी वजह से पहचान जाए so, uh, ये तो एक नेमत है मैं फ्रस्ट्रेशन में क्यों मैं मैं, मैं यही बोल रही थी जब मैंने कहा होना चाहिए नहीं माशाल्लाह से आई थिंक बहुत अच्छा आप काम कर रही है एंड योर आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह एंड आल्सो आई थैंक यू नो पता नहीं बोलता नहीं है नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं, बोला साहब प्लीज, <laughs> प्लीज प्लीज मेरे मेरे शो पे आने मैंने स्पेशल क्लिप आपके लिए करवाना है मेरे बच्चों ने फार्मूला वन वाला जो क्लिप हुआ था ना <laughs> सो उन्होंने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया कोई और रिकॉर्ड लगाया ना क्योंकि जब मैं ट्रोल भी हो रही थी तो मुझे पता नहीं था मैं हो क्यों नहीं ट्रोल शुरू शुरू में जब वो क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था तो मेरे बच्चों ने मुझे भेजा तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा ये क्या किया आपने वो पाँच छः साल पहले की एक का क्लिप था कोई तो मैंने कहा अच्छा क्या किया है मैंने <laughs> 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 इस इस ट्रोलिंग ने मुझे बताया कि बेसिकली मैंने गलती की क्या थी I think you are such a brave person, Anita. I think you are an extremely brave person, and I have so much, uh, you know, respect for you because मुझे लगता है बड़ा आसान होता है कहना, लेकिन yeah. इस तरह बैठ के इतनी comfortably अपनी एक चीज को accept करना it requires a lot of courage. So I think uh, I have learned a lot today oh. from you. मुझे मुझे तो uh, मैं सोचूं कि मैं भी जो गलतियाँ करती हूँ मुझे भी

True, true. So, वो वाली चीज़ है। अच्छा अब ये बताएं कि मॉर्निंग शोज पे जो जब भी हम लोग बोलते हैं ठीक है कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है तो यही कहा जाता है कि रेटिंग नहीं आती है तो जिन पे रेटिंग आती है हम उन्हीं चीज़ पे करेंगे लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो होता है ना नैनीता कि ऑडियंस को हमने ही चेंज करना है आपने ही चेंज करना है आस्ता आहिस्ता तो फिर अगर चेंज यहाँ पे होने को तैयार ही नहीं हो रहा कोई मॉर्निंग शोज में तो फिर ऑडियंस कैसे चेंज होगी तो कुछ है जहन में कि गोइंग फॉरवर्ड स्लोली स्लोली इनकॉर्पोरेट करें चीजों आप को आपको एक रैपर चढ़ाना हाँ, पड़ता है वो जो चीज लोग देखना चाहते हैं ना आपको ये भी नहीं पता चलता ग्रेजुअली वो चेंज कैसे ला रहे हैं हम लोग आइस हां आइस आप एग्जांपल देंगी कोई क्या चेंज ला रहे हैं मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल गोरा रंग okay. गोरा रंग का एक बहुत हमारे यहां क्रेज है आप कुछ भी कह लें कुछ के गोरा 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 सो शुरू में जब मॉर्निंग मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो जो हेबल्स आती थी वो तो कहती थी गोरा रंग करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उन्हीं से कहलवाना शुरू किया गोरा रंग नहीं इवन टोन ओके okay. मैं कहती मैं पब्लिक को ये कहती हूँ देखो मेरा सांवला रंग है देखो इसका कितना अच्छा लग रहा है ये सांवला रंग लेकिन अगर आपकी झाइया ख़त्म हो जाए आपकी स्किन बिल्कुल एक जैसी हो जाए इवन हो जाए आहिस्ता आहिस्ता ओके आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा मैं उनको दम, मैं उनको एकदम उनका दिमाग नहीं बदल सकती okay. कि मैं टीवी पर हम नहीं देख रहे आहिस्ता होगी ये, 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 हो ये चीज और वो आहिस्ता हम ऐसे कर रहे कि जो देखने वाले जो हमें ट्रोल करते हैं उनको नहीं पता चल रहा लेकिन हम जिनको चेंज हैं वो चेंज हो रहे आहिस्ता आहिस्ता होगी ये तो बहुत अच्छी और आपको आप हमेशा नोट करें आप Uh, जो आपके व्यूअर्स हैं अगर आप उनके लेवल पर आके आपको अलग अलग किस्म के लोग देखते हैं सिर्फ आपको एक सर्टन क्लास के लोग नहीं देखते अगर आप उनके लेवल पर आकर आप उनको बातें समझाएंगे ना सो वो समझेंगे वरना वो चैनल चेंज कर देंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहले ही इतनी टेंशन है उनको एंटरटेनमेंट चाहिए उनको नहीं सुननी नसीहत है टी पर तो आपने मैसेज भी देना है तो उसको ऐसे खूबसूरती से और और तहजीब से देंगे यार एंटरटेनिंग तरीके से देना है कि लोग सुन सकें हाँ ये चैलेंज तो है डेफिनेटली आप लोगों के लिए मदरहुड Hmm. क्या चैलेंज है आजकल और वो भी अब जमाना इतना चेंज हो गया है ना हाँ. आपको क्या लगता है क्या क्या सबसे ज्यादा आपको आ, आप फील करती हैं कि जो अब जो नई जनरेशन आ रही है क्योंकि आप माशाल्लाह से खुद भी माँ हैं लेकिन आप के जो गेस्ट आते हैं वो भी हर उम्र की लड़कियां आती हैं जो उन्नीस साल की एक्ट्रेस भी आ रही होती है हाँ. आपके पास एक यू जिससे नए नए आए हैं कभी कोई सोलह साल की बच्ची चौदह साल की या तेरह साल की बच्ची भी आ रही होती है तो अब ये जो हमारा ज़माना भी चेंज हो रहा है आपको क्या लगता है कि हैं एज अ मदर और क्या दो तीन चीज़ें जो आप समझती हैं कि करनी चाहिए पता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको आ, मैंने मदरहुड किसी और से नहीं सीखा मैं सिर्फ फ्लैश में जाती हूँ कि अगर मेरी अम्मी यहाँ होती तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया होता ओके सो मेरी अम्मी ने जिस तरह हमें ट्रेन किया है ना एज़ मदर सो so, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस मामले में क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं समझ आता था कि वो हमारे साथ क्या करी हैं कैसे करी हैं लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि हम हम इतनी बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से मेरी सिर्फ मैं अकेली नहीं मेरी बाकी बहनें भी हम अपनी जिंदगी को प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घरेलू लाइफ को इतना बैलेंस ले चल रहे हैं माशाला दे आर हैप्पीली मैरिड और वो अपने प्रोफेशन को भी साथ ले चल रही हैं उसका सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देती हूँ बेटों के लिहाज से यासिर को बहुत समझ है कि आपको okay. बेटे को कैसे उसकी okay. उसकी तरबियत कैसे देनी चाहिए सो uh -huh. so मैं अकेली तो नहीं सारा क्रेडिट ले सकती uh -huh. अगर मैं और यासिर दोनों मिल के कभी कभार दोनों में से एक गुड कॉप होता है एक uh -huh. बैड कॉप होता है uh -huh. हमें ये, ये हमें प्लान करना पड़ता है okay. हम कभी बच्चों के दोस्त बन जाते हैं और हम कभी बच्चों के लिए इतने सख्त हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम कहाँ फंस गए सो so, ये वाली जो म्यान रवि है ना हमें बरकरार रखनी पड़ती है सिर्फ़ हमें ये पता होना चाहिए किस वक्त सख्त होना है और किस वक्त दोस्त बनना है ट्रू mm, सो so, वो मुझे इतनी मुश्किल इसमें नहीं होती क्योंकि मैं अपनी अम्मा का सोच लेती हूँ कि मेरी अम्मा ने क्या किया mm. था ओके okay. तो बेटी के साथ मुझे कैसे mm. चलना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटे के साथ कैसे चलना है वो यासर को बहुत अच्छे से पता है तो यू गाइस बैलेंस आउट माशाल्लाह माशाल्लाह से लेकिन मुझे ये बताएं आजकल की जो ये ये जो बच्चे हैं मुझे लगता है बड़ी आज़ादी मांगते हैं और कभी आज़ादी की आज नहीं दे सकते हम कभी कभी वो आज़ादी की हलमिट्स माँ बाप की डेफिनेशन से ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो हाउ डू हाउ डू यू स्ट्राइक द बैलेंस फिर वो बच्चों की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको कैसे हैंडल हम ऐसा है? करते हैं कि अगर वो दो दफ़ा कहते हैं अगर वो चार दफ़ा इजाज़त मांगते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ खाने पर चले जाएँ तो हम चार दफ़ा के बजाय एक दफ़ा इजाज़त दे देते हैं ठीक है तो उनको थोड़ा सा ही होता है कि भाई हम चार दफ़ा नहीं देते हर दफ़ा जब वो मांगते हैं हम नहीं देते इजाज़त कुछ हमारे रूल्स सेट हैं क्या है करना है क्या नहीं करना है कहाँ तक जाना है कितने और सबसे स्पेशल बात हम अपने बच्चों के हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं देते नहीं। ये यासिर ने रूल सेट किया उनकी एक सर्टन पॉकेट मनी है वो उनको मिलेगी और यासिर का इतना अच्छा कहना है बच्चों के लिए कि उनके अंदर प्यास रखो चीज़ों की प्यास उनके अंदर होनी चाहिए हर चीज़ों ने नहीं फराम कर मेरे बच्चे बेचारे कितने अरसे तक सेकंड हैंड मोबाइलों पे जिंदगी गुजारे hey, hey, तो हम तो हमने <laughs> उन्हें <laughs> मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने दिए लेट मोबाइल्स दिए सेकंड हैंड मोबाइल्स दिए फिर उसके बाद अच्छे नंबर आएंगे या इतना होगा तो नए मोबाइल मिलेंगे सो hmm. so ये वाली चीज़ें यासर की बहुत अच्छी हैं जो उसने मुझे सिखाई ये करनी फिल्म आ रही है आपकी चक्कर इंटरेस्टिंग लग रही है अभी मैंने इंटरेस्टिंग अलहमदिल्ला बहुत मतलब लाइक मैंने जो देखी देखी है सारी म्यूजिक और डबिंग वगैरह के बाद तो मुझे खुद बहुत मज़ा आया है मुझे उम्मीद है लोगों को मजा आएगा देख बहुत डिफरेंट टाइप का का बहुत लग, लग रहा है जॉनरा बहुत अलग है और थोड़ा बहुत हर चीज मुझे लग रहा है उसमें है या ना बहुत डार्क नहीं रखी है फिल्म उसने थोड़ी कमर्शल भी रखी है क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी आर्ट मूवीज सिनेमा नहीं देखने जाएगी वो भी एक बहुत एक अलग जॉनरा है आर्ट मूवीज़ का और yeah. डार्क और वो mm -hmm. आ, लोग इम्यून हो रहे नेटफ्लिक्स वगैरह की वजह से mm -hmm. लेकिन सिनेमा जाने के लिए ना उनको थोड़ा सा मसाला भी चाहिए तो अभी जो सिनेमा पाकिस्तान सिनेमा का जो हाल थोड़ा सा मतलब कंसर्न ही है तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वट इज़ योर थिंकिंग और मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं ईद के साथ तो mm -hmm. आपके जहन में क्या है कि कितना हो जाए तो यू गाइज विल भी हैप्पी मैं मैं तो ये कह रही हूँ कि जितना हमने लाइक लगाया है वो भी मिल जाए बहुत है उसकी वजह ये है कि मैं और यासिर वो लोग हैं जो आप पैशनेट हैं फिल्म बनाने के लिए फिल्म हमारा ब्रेड एंड बटन नहीं है नहीं। मैं कुछ और काम okay. करती हूँ या भी कुछ और काम तो करती शौक है। के लिए किया प्रोड्यूसर्स कोई भी नहीं आएगा यार हम अपने पैसे लगा कर आते हैं खुद फिल्म बनाते अच्छा अच्छा हैं हम किसी का पैसा जाया नहीं करते हुई तो <laughs> तो अच्छा। साथ, साथ okay. मतलब okay. यासर का है. Okay. Okay. So एक होता है ना जैसे बीविया हर चीज में सपोर्ट करने के लिए mm -hmm. आगे आगे होती मियाँ को सो mm -hmm. so ये बेसिकली यासिर का पैशन है और मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ उसके पैशन में सो इसलिए आपके हर तरह के चैलेंज करते हैं लोग सुन लेते हैं बात आराम से हाँ सुन लेते हैं फीमेल और मेल मेल का कोई मसला नहीं है प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर के लिए चैलेंज यही है कि वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है मेहनत से कमाए हुए जो रकम है वो एज प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है फिल्म में तो वो पता नहीं वापस आएगी कि नहीं एक रिस्क तो है बिल्कुल अगर आप एक ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं आपको पता है आपका चैनल एक नहीं दो साल बाद पैसे आपके दे देगा तो उसमें इतना रिस्क नहीं है लेकिन yes. फ़िल्म एक गैम्बल है yeah, तो इसीलिए हम मैं और आसिर यही कोशिश करते हैं कि हम आ, फिल्म अपने ज़ाती पैसों से बनाएं और आ, कुछ ऐसा ही काम करें कि अच्छा ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं सो तो वो जो लगा है वो तो मिल जाए मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ हमने जो भी फ़िल्में बनाई हैं अलहदुल्ल वो कामयाब हुई हैं हमें कभी भी नुकसान नहीं हुआ We are looking forward to this one also. ये अच्छी, interesting लग रही है नीरम और और के साथ और यासिर भी है इसमें। मैं अभी आने से पहले उसका ट्रेलर देख रही थी मैंने कहा अच्छा यार ये काफी मजे की लग रही है स्टोरी डिफरेंट लग रही है यासिर भी थोड़े डिफरेंट रोल में है वो ना बहुत डिफरेंट रोल में बिल्कुल यासिर ने बहुत मजे का काम किया बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपका

सो so, मुझे गले लगा लेते हैं हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो लोग अपनों से करते हैं माशाल्लाह से मतलब दूसरे शा, शायद सेलिब्रिटी से मिलें तो वो झिझके हाँ। तस्वीर खींच लो है वो उनका पहला रिएक्शन यही इतनी अपनाइत होती है ना उनको उन वो मुझे कहते हैं कहते हैं आप ऐसा नहीं लगता कि हम आप से मिले हुए नहीं हैं। आप हमें बहुत अपनी लगती so, मेरा... That's a, that's a हाँ। में मुझे मशवरे मांगने के लिए अच्छा के मैं क्या करूँ जब मेरे पास उस वक्त टाइम होता था फिर मैं उन्हें मशवरे दे भी देती थी हाँ। अभी सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टा पे मैसेज करते हैं कभी कभार मैं उनको जवाब दे देती हूँ मुझे मशवरा दो ना मैं क्या करूँ मैं एक डॉक्टर हूँ मैं सारा काम छोड़ छाड़ के बच्चे पाल रही हूँ मुझे बहुत डिप्रेशन होता है मैं क्या करूँ yeah. ऐसे ऐसे सवाल आते हैं yeah. सो so फिर मैं उनको थोड़ा काम डाउन करती हूँ so nice. तो इस तरह yeah. जब टाइम मिलता है आई नो यू गैस आर सो बिज़ी माशाल्लाह से yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने टाइम निकाला बिकॉज और अच्छा वो निकल गया क्योंकि मैं मॉर्निंग में तो आपको टाइम नहीं मिलता नहीं मैं क्या क्या बोल गई नहीं आई थिंक अच्छा बोली है जो भी बोली है मुझे तो बहुत मजा आया मैं तो आज बड़े मज़े मजे की बातें सुनी मैं तो हजरत की यू कैन सी मेरा तो हजरत के बुरा हाल हो रहा था बट शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने टाइम निकाला बहुत शौक था मुझे कि इस तरह आपसे बैठ के गप हाँ, लगे आज फाइनली ये हुआ आखरकार, तो आखिरकार तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वु टू कीप सी इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान थैंक यू सो मच थैंक यू